हेलो स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट फाइव उसका सेकंड लेसन फनी बनी एक्सरसाइज क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स एंड सेवन हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन फोर है हमारा राइट हु सेड दिस। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है पेज नंबर 83 पे। उसमें फर्स्ट आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन, किसने कहा था ऐसा द स्काई इज फॉलिंग डाउन, हु सेड दिस, फनी बनी। फनी बनी को लगा था ना कि स्काई गिरने वाला है, तो हम इधर आंसर में क्या लिखेंगे, फनी बनी क्या लिखेंगे हम आंसर में, फनी बनी। ठीक है, सेकंड आई मस्ट टेल द किंग, मुझे ये किंग को बताना ही है या फिर कहना ही है, ये भी किसने कहा था, फनी बनी। आई मस्ट टेल द किंग, किसने कहा था ऐसा, फनी बनी ने। द किंग लिव्स हियर, किंग यहाँ रहता है, ऐसा किसने कहा था, वॉक्सी फॉक्सी। कहाँ रहता है किंग, जंगल में था ना, पर किंग इधर रहता है, ऐसा किसने कहा था, वॉक्सी फॉक्सी लोमड़ी। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन फाइव राइट आंसर इन वन सेंटेंस। उसमें फर्स्ट व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, सारे एनिमल्स का इस स्टोरी में एंड में क्या हुआ था, क्या हुआ था एंड में, लोमड़ी यानी कि वॉक्सी फॉक्सी ने ऐसा कहा था ना कि किंग इधर रहता है, आओ फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, फिर सब लोग उधर गए तो वॉक्सी फॉक्सी उन सारे एनिमल्स को खा गया था, तो हम भी ये लिखेंगे इन द एंड वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल द एनिमल्स, तो हम लिखेंगे इन द एंड यानी कि एंड में वॉक्सी फॉक्सी है वो सारे एनिमल्स को खा गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सिक्स मैच ए विथ बी, ए में दिए ए हैं जो इस लेसन में जो एनिमल आते थे उसके जो नाम थे वो, और बी में है वो एनिमल, जैसे कि ए में दिया है फनी बनी, हैनी फनी बनी, हैनी पैनी, कोकी लोकी, लकी डकी, वॉक्सी फॉक्सी, और बी में क्या दिया है, हैन रैबिट डक कॉक फॉक्स। अब फनी बनी, तो फनी बनी कौन था, रैबिट, तो हम उसको रैबिट के साथ मिक्स करेंगे, मैच करेंगे। अब हैनी पैनी, तो हैनी पैनी कौन था, हैनी पैनी कौन थी, हैन, है ना। फिर कोकी लोकी कॉक, फिर उसके बाद कोकी लोकी कॉक, फिर लकी डकी डक एंड वॉक्सी फॉक्सी फॉक्स। तो ये थी हमारी मैच की एक्सरसाइज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रीअरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। अब इधर नीचे ये इसको बोलते हैं ओब्लिक, क्या बोलते हैं, ये जो है ना उसको ओब्लिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओब्लिक। अब ये उल्टे सुलटे हैं तो हमको सेंटेंस बनाने के लिए उसको सही फॉर्म में लिखना है, फॉर्म यानी कि जो जिस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स जहाँ पे आना चाहिए वो वर्ड्स को उसी जगह पे लिखना है, उसको बोला है फॉर्म। अब फर्स्ट में क्या लिखा है पढ़े पहले, किंग आई मस्ट द टेल, अब ऐसा हम पढ़ें तो कैसा लगे, किंग आई मस्ट द टेल, तो वो सही तरीके से नहीं है, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आई मस्ट टेल द किंग, तभी ये सेंटेंस सही तरीके से बना, आई मस्ट टेल द किंग। उसके बाद सेकंड लिव्स ओब्लिक हियर ओब्लिक द किंग,
पीछे फुल स्टॉप। अब लिव्स हियर द किंग, तो ये उल्टा सुल्टा है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, द किंग लिव्स हियर, यानी कि किंग इधर रहता है, तो पीछे फुल स्टॉप, तभी ये सेंटेंस सही हुआ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।